Hey guys, राम राम जी, क्या हालचाल आप सभी की। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल संदीप रावत व्लॉग्स में। तो अभी तो मैं अपने रूम में बैठा हूँ, ऊपर जो इंट्रो मतलब बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और जो मेरा व्लॉग है, ये व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि आज हमारे गाँव में बैठा है सप्ता, और जो हमारे सप्ता बाँचने वाले जो व्यास जी हैं वो हैं श्री विष्णु चेतन जी महाराज, जिनका यूट्यूब पे भी चैनल है। और मतलब बहुत अच्छा सप्ताह पास थे कि जैसे बोलो ना कि मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी हैं, तो मतलब एकदम बहुत अच्छा बोलो ना, बहुत बहुत अच्छा। तो वो आ रहे हैं, तो आज यहाँ पे तो सप्ताह वही बाँचेंगे। तो जैसा कि अब जो ब्लॉग हम बनाएंगे, ब्लॉग हमारे जो परकम्मा है वो अपने हमारे घर के सामने से ही जाएगी, तो मैं उनके साथ मिल जाऊँगा यहीं से ही। और फिर हम आपको दिखाएंगे पांडाल, दिखाएंगे जो वहाँ पे सप्ताह बचेगा। बहुत ही सुंदर पांडाल बना है, जिसे बोलो ना कि मतलब घना ही सुंदर। तो और जब परकम्मा आएगी तो परकम्मा में मिल ही जाएंगे हम, परकम्मा भी दिखाएंगे, व्यास जी के दर्शन भी कराएंगे हम आपको। तो फिर देखते रहिए, और तब तक परकम्मा आने वाली है, हम आपको ब्लॉग दिखाएं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर हम मिलते हैं, फिर हम आपसे मतलब परकम्मा में मिलते हैं फिर हम आपसे। परकम्मा आ चुके हो, डीजे की आवाज़ आपको आ रही होगी, और मैं अभी बस अपनी स्वाप ही ले लेता हूँ भाई, गर्मी बहुत गजब पड़ रही है। मैं स्वाप ही ले लूँ, स्वाप ही स्वाप ही। स्वाप ही मेरी हो रही भाई, स्वाप ही हमें अब झोंक है। Yeah.
जी हम अभी पंडाल से आ चुके हैं जी घर, और गर्मी इतनी हो रही थी कि भाई चाहे मेरे मोबाइल को पता है या फिर मुझे पता है भाई, मोबाइल मेरा हैंग हो गया, हीट हो गया भाई। और यहाँ से बस मैं इस तरह चला था कि थोड़ी बहुत जिस क्लिप क्लिप बनाई थी यहाँ से घर से निकलते वक्त, और थोड़ी सी बाहर और मंदिर पे बनाई थी, तो मंदिर पे तो बस थोड़ी बहुत ही बनी थी भाई। फिर उसके बाद मोबाइल हीट हीट, कैमरा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, बस कैमरे को दबाऊँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, उससे पहले तो मोबाइल टू हीट, मोबाइल टू हीट कि भाई। और भाई मैं स्वापी उड़ गया था, वो तो आली मतलब गीली स्वापी थी, और भाई मैंने उस गीली स्वापी में मोबाइल को रखा, और फिर मंदिर से निकलते वक्त जो रास्ते था मतलब रास्ते में और भी वीडियो बनाता जो, तो मतलब जो परिक्रमा थी हमारी, दूरी था जो पांडाल था मंदिर से, तो भाई मैंने मोबाइल को भी स्वापी में जो गीली स्वापी थी उसमें दबा के मतलब लपेट लिया, उसमें लपेट के फिर मोबाइल को सीधा मैंने, चल भाई अब तू पांडाल पे निकलेगा भाई, मैंने वहाँ पे जाके निकाला भाई, तब मैंने वीडियो बनाई। मैंने सोचा भाई यदि मोबाइल, यदि तूने वीडियो नहीं बनाई ना भाई तो भाई तेरा तो फिर काम करना ही पड़ेगा। और भाई काम हम करेंगे, काम तब करेंगे, पहले हमें आप सपोर्ट कर दो फिर हम सारे काम कर देंगे एकदम। तो भाई मैंने जो व्लॉग शूट किया है मतलब बढ़िया से किया है, यहाँ से तुम्हें चला गया मोबाइल हीट, मंदिर पे जाते ही हीट हो गया, जो इसकी ब्राइटनेस थी वो बढ़ी नहीं रही थी बिल्कुल भी, पर मैंने कह रहे इनके बाबा इनकी व्लॉग तो बनवा दे, ऐसे क्यों रूस रहा है। तो मंदिर पे दर्शन किए थे, मंदिर पे भी दर्शन किए थे, तो वो क्लिप बन नहीं पाई थी, वहाँ से जो हमारे व्यास जी थे विष्णु चेतन जी महाराज थे उन्होंने भी दर्शन किए थे, तो वहाँ पे वो कोई भी क्लिप नहीं बन पाई भाई, इसका मुझे बहुत ज़्यादा खेद है। तो भाई बस मैंने वहाँ पे गीली स्वापी में लपेट के मोबाइल को ले गया, मैंने वो पांडाल में ही निकाला, पांडाल की मैंने जो क्लिप बनाई है जो मतलब देखी आपने तो देख ही लिया होगा वैसे, तो बड़ी मेहनत से व्लॉग बनाया है, तो हो सकता है कि यदि कैमरा बंद ना होता तो वीडियो थोड़ी बहुत बड़ी हो जाती, पर वीडियो थोड़ी बनी है तो अब आप इसको पूरा भी देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब दब के कर दीजिए। तो फिर हम मिलते हैं हम ऐसे अपने नए व्लॉग के साथ, लव यू गाइस।